हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली के भारतीय जनता पार्टी द्वारा वसुंधरा राजे द्वारा निकाली जा रही गौरव यात्रा के पाली आने से पहले बूथ स्तर पर बूथ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत रविवार को पाली विधानसभा क्षेत्र का अधिवेशन अग्रसेन वाटिका में आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों व पदाधिकारियों ने बड़े स्तर पर भाग लिया। बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए जोधपुर संभाग प्रभारी और पूर्व मंत्री राजेंद्र गहलोत ने कहा कि प्रदेश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जिस तरह से गौरव यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है, इसे देखकर कांग्रेस बौखला गई है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक ज्ञानचंद पारख ने कहा कि सरकार ने 5 वर्ष में कार्यकर्ताओं की इच्छा के मुताबिक विकास कार्य करवाए हैं और जितना पैसा पाली विधानसभा क्षेत्र में 5 वर्षों में लगा है, यह अपने आप एक इतिहास है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि अब हमारी बारी है कि प्रदेश व देश में फिर से भाजपा की सरकार बनाए। बैठक को नगर परिषद सभापति महेंद्र बोहरा, सुनील भंडारी, रोहत ठाकुर, सिद्धार्थ सिंह, नगर परिषद उपसभापति मूल सिंह भाटी, राकेश भाटी, पुखराज पटेल, खंगार पटेल, गंगादान चारण सहित कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। बूथ सम्मेलन का संचालन सोमनाथ मंडल के अध्यक्ष राधेश्याम चौहान ने किया। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।